नाउ सी प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है? ठीक है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये जो एंगल्स बनते हैं ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर ये जो तीनों एंगल्स बनते हैं इनका जो सम होता है ऑलवेज 180 डिग्री के इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एंगल आपको 50 डिग्री का गिवन है, दिस इज अ 60 डिग्री एंड दिस इज अ 70 डिग्री। इफ यू एड ऑल द थ्री एंगल्स यू विल गेट 180 डिग्री। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसके मेजरमेंट हमेशा 50, 60, 70 ही होंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है एक एंगल 90 का हो, दूसरा एंगल 30 का हो, ठीक है, और नेक्स्ट वाला एंगल आपका 60 का हो, तो ऐड होके वापस क्या बन जाएगा, वो 180 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो मेजर कुछ भी हो सकते हैं लेकिन जो उसका सम बनेगा ऑलवेज वो 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे ये लाइन आपको पता होनी चाहिए कि सम ऑफ द थ्री एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, सिंपल आपने क्या लिखना है, जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो वहां पे आप लिखेंगे द सम ऑफ द थ्री एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर आपने ऐड भी करके दिखाना है, जैसे यहाँ पे ऐड किया हुआ है, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 180 बनेगा, 180 इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू बेटर आपको एक्सप्लेन करूंगी। बस आपको अभी ये पता होना चाहिए कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जो भी एंगल्स बनते हैं तीनों के तीनों, उनका जो सम होगा वो ऑलवेज 180 डिग्री के इक्वल ही होगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आपको आएंगे, जैसे कि यहाँ पे टू एंगल्स गिवन है और थर्ड साइड आपको निकालनी है, यानी कि थर्ड एंगल निकालना है, नॉट साइड, थर्ड एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, टू एंगल्स आपको गिवन है तो आप थर्ड वाला एंगल निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टी है वो यूज होगी 180 डिग्री वाली। ठीक है ना, जो अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी। एक लाइन देखिए यहाँ पे, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। यहाँ पे बच्चे वर्ड लिखा है ऑलवेज, हमेशा 180 डिग्री ही होगा, ना तो कभी एक डिग्री कम हो सकता है और ना ही वो इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो 180 डिग्री ही रहेगा, जो भी मेजर है तीनों एंगल्स का जो सम है उसका मेजर, डैट विल बी ऑलवेज 180 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता रही थी कि यहाँ पे ये टू एंगल्स आपको गिवन है और थर्ड वाला एंगल आप फाइंड आउट करेंगे, तो इसको फाइंड आउट करने का मेथड क्या है? सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमें पता है कि जो सम है एंगल्स का वो क्या है, 180 डिग्री। लेकिन सम ऑफ टू एंगल्स कितना गिवन है आपको, ए वाला कितना गिवन है 35 और बी वाला 65, सो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 35 प्लस 65, यानी दोनों को हम ऐड करेंगे, क्या बना यहाँ पे 100। ठीक है, तो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, सी वाला, अगर हम 180 में से ये वाला माइनस कर देंगे इन दोनों का सम, तो थर्ड वाला एंगल निकल आएगा, यानी कि 180 डिग्री माइनस 100 वी विल गेट 80 डिग्री। ठीक है, तो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा बच्चे, 80 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द वर्कशीट टू।